मुझे इस वक्त भूख भी बहुत लग रही है और देखता हूँ कि यहाँ से क्या मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, शॉर्मा मिल जाएगा? अभी यहाँ से मैंने जो है ना एक ये सामने जो आपको नगेट्स नजर आ रहा है, नगेट सैंडविच एक ये लिया 5 रियाल का, और साथ मैंने 5 रियाल के फ्रेंच फ्राइज लिए। वो यहाँ पे लगे हैं, यहीं पे होंगे वो सामने। ये वाला और साथ एक मैंने चाय ली है क्योंकि गला मेरा ख़राब है तो ठंडी चीज़ नहीं पीनी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है आपके सामने। चिकन ब्रोस्ट है 20 रियाल, चिकन बिरयानी 15 रियाल, चिकन बर्गर 8 रियाल, सिंगल बर्गर डबल 12 रियाल, सिंगल बर्गर सिंगल जो है 8 रियाल। सारी चीज़ें इस तरह देखे लगी हुई हैं। सैंडविचेस भी आपके सामने है, 5 रियाल का भी है, 8 रियाल का भी। ये देखिए अभी मुझे मेरा सैंडविच, नगेट सैंडविच, साथ ये फ्रेंच फ्राइज और साथ चाय मिल गई है। अभी हम खा के देखते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। का टेस्ट अच्छा है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने खाया था ना, तो अच्छा टेस्ट था। इसके अंदर सॉसेस पड़ी हुई हैं लेकिन वो हम लोग नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा गला ख़राब है, अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए ये नगेट सैंडविच, साथ फ्रेंच फ्राइज हैं, साथ चाय है, इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। साथ चाय है, इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। और फिर मैं इसको खोलता हूँ और फिर खा के आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है। इसके अंदर नगेट्स हैं, साथ फ्रेंच फ्राइज हैं और मज़े का सैंडविच है ये। 5 रियाल का ये सैंडविच, 5 रियाल के फ्रेंच फ्राइज और 2 रियाल की चाय। मैं आपसे खाने के बाद मिलता हूँ। अभी यहाँ से हमने थोड़ा सा जो खाना था वो खा के तो हम निकल आए हैं। अभी सीधा हम लोग वापस इब्राहिम खलील रोड पे जाएंगे, वहाँ से सीधा सीधा मस्जिद अल हरम, क्योंकि मगरिब की अजान का टाइम करीब आ गया तो हम लोग सीधा हरम की तरफ चलते हैं दोबारा। देखिए हम लोग सीधा यहीं से निकलेंगे वापस और सीधा हरम की तरफ पहुंच जाएंगे। पहले थोड़ी सुबह थी और अभी थोड़ा सा शाम का वक्त हो गया। ये देखिए शारा इब्राहिम खलील, इसका रेंट एक दफ़ा पता कर लें फलस्तीन होटल का, इसका कितना रेंट है, फिर आगे निकलते हैं। अभी रेंट यहाँ पे पता किया, इनकी शटल बस भी है मुझे लगता है। देखिए यहाँ पे इनका रेंट मैंने पता किया, जैसे मैंने आपको बताया कि 200 से लेके तो 500 रियाल तक के रेंट
200 से लेके 500 रियाल तक के रेंट हो सकते हैं। हवा बहुत तेज चलने लगी एकदम, तो इनका रेंट था 340 रियाल। अभी यहाँ पे नमाज का टाइम हो रहा है ना, तो ये लोग जो शॉप्स हैं वो भी बंद करनी शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं। ज़ियाफ़त अल राजा होटल, इसका भी रेंट इतना ही होगा, 300 350 रियाल से ज़्यादा नहीं होगा। तकरीबन सारों के रेंट ना एक जितने ही होते हैं, सेम ही रेंट हैं सबके। नेक्स्ट टाइम मैं तो कहूँगा कि अगर किसी ने भी आना है यहाँ पे, तो आप इसी रोड के ऊपर अपना होटल, अजान ख़त्म हो गई है और अभी मैं बिल्कुल मस्जिद अल हरम के पास आ गया हूँ। थोड़ी सी देर हो गई लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ तक। देखिए लोगों को जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे लोग जानमाज़ बिछा के तो बैठ गए हैं नमाज के लिए। ये पूरा एरिया जो है मस्जिद अल हरम के अंदर ही आता है। यहाँ पे इन्होंने हर पोल के ऊपर स्पीकर्स लगाए हुए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए जो जमात है उसके साथ नमाज पढ़ने में।
देखिए जितनी भी मार्केट्स हैं मेरे लेफ्ट साइड पे भी हैं, राइट साइड पे तो नहीं है। खैर राइट साइड पे कबूतर चौंक है, यहाँ पे जितने भी यहाँ के कबूतर हैं पिजन्स वगैरह हैं वो होते हैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड पे देखिए जितने भी बाज़ार हैं वो सारे बंद हो गए क्योंकि नमाज के वक्त ये सारे बाज़ार बंद करवा देते हैं। लेकिन मैं जमजम टावर के बिल्कुल पास आ गया हूँ, जैसे ही जमात शुरू होगी हम इधर रुक के तो नमाज़ पढ़ लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हरम की तरफ चले जाएंगे, फिर हम लोग ईशा की नमाज़ वहाँ पढ़ेंगे और ईशा की नमाज़ पढ़ के तो फिर हम लोग वहाँ से वापस अपने होटल की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल जमजम टावर के सामने आ गए, वो देखिए जो मैंने आपको सबसे पहला वाला होटल दिखाया था ना वो ये सामने ये वाला, तो वो हरम के कितना करीब है, 280 रियाल उसका रेंट है। बल्कि अभी भी ये जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना आपको ये इमार अल सुल्तान, एक मिनट, ये जो येलो कलर का बोर्ड है इमार अल सुल्तान होटल, इसके साथ वाला होटल है। तो देखिए हरम के कितना करीब है, हम लोग कितनी दूर से भी चल कर आ रहे हैं, ये वाला तो ये हरम के मुझे लगता है तकरीबन 500 मीटर के फासले पर है, वो बिल्कुल मुनासिब है, अच्छा होटल लग रहा है मुझे तो। कोशिश करते हैं जितना दूर जा सकें उतना दूर चले जाते हैं ताकि फिर आगे भी जाके चलने हैं नमाज के बाद भी, तो अभी हम लोग जो है डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। ये राइट साइड पे पूरा कबूतर चौंक आप कह सकते हैं कि है, यहाँ पे दोपहर के वक्त बहुत सारे पिजन्स होते हैं जिनको आप कुछ भी यहाँ से लेकर तो डाल सकते हैं। यहाँ पे लोग भी खड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं सऊदीया के, जो आपको 5-5 रियाल के ना पैकेट्स दे रहे होते हैं पिजन्स के खाना जो होता है, तो आप इनसे लेकर तो यहाँ पे खड़े होकर डाल सकते हैं पिजन्स को, और बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत व्यू होता है वो भी। देखिए सारे लोग यहाँ पे ना बैठ गए हैं अभी नमाज़ पढ़ने के लिए, हम भी कोशिश करते हैं थोड़ा आगे चले जाएं और जाके वहाँ फिर नमाज़ पढ़ के तो फिर हम लोग सीधा किंग फहद गेट से दोबारा अंदर चले जाएंगे। फिर जैसे ईशा की नमाज़ ख़त्म होगी लोग फिर वहाँ से निकलेंगे सीधा अपने होटल। अभी हमने वहाँ पे अपनी नमाज पढ़ी है और वापस जो है हम लोग हरम की तरफ जा रहे हैं मगरिब की नमाज पढ़ के। देखिए लेफ्ट साइड पे वही होटल हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, प्यारे प्यारे होटल, बड़े बड़े होटल, जबले उमर टावर नंबर 1, फिर जबले उमर का ईस्ट टावर, ये उसके साथ जबले उमर का वेस्ट टावर, सामने हमारे दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल,
और राइट साइड पे हमारे मक्का टावर्स, हम लोग ये दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल का जो होटल है यहाँ से राइट लेंगे, बिल्कुल सामने हमारे किंग फहद गेट आ जाएगा, गेट नंबर 79। काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ ये देखें जो दो मीनार आपको नज़र आ रहे हैं उसी गेट के, गेट नंबर 79 के। अभी बस यहाँ से चलते हैं, ये वाला आज का जो था ये इब्राहिम खलील रोड का थोड़ी सी वॉकिंग वीडियो थी, मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी मार्केट्स हैं वहाँ पे और होटल्स के क्या रेंट हैं वहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग निकले थे इब्राहिम खलील रोड की तरफ, यहीं से भी हम लोग वापस जाएंगे गेट नंबर 79 की तरफ ये देखिए ये सामने है। आजे वे लोग देखें मगरिब की नमाज़ पढ़ के, ज़्यादातर लोग जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ के इधर ही बैठ जाते हैं क्योंकि मगरिब और इशा की नमाज़ में जो है ना टाइम थोड़ा कम होता है, तो वो दोनों नमाज़ें फिर एक साथ पढ़ के ना फिर वो जाते हैं। यहाँ पे इतना क्यों रश लगा हुआ है, देखें कितनी लंबी लाइन है पीछे तक लगी है, शायद कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पे अच्छा सा। तो मैं कह रहा था कि इशा की नमाज़ पढ़ के फिर वो वापस जाते हैं हरम, इशा की नमाज़ के वक्त इशा की नमाज़ के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इशा की नमाज़ के फौरन बाद। ये देखिए यहाँ तक लाइन लगी हुई है, हमारे सामने आ गए फिर से एक दफ़ा गेट नंबर 79। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن